नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एनएचपी मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कवच एक्स के बारे में। हम आपको कवच एक्स से जुड़ी अनेक जानकारियां देंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कवच एक्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, और इतना ही नहीं, कवच एक्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करके आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? आई एम ऑल्सो गुड सर। हम आपसे कवच एक्स से जुड़ी अनेक बातें जानना चाहते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कवच एक्स से जुड़ी जितनी भी बातें हैं उनका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे। बिल्कुल बिल्कुल रुचिका, सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, और साथ में वो सभी लोग जो कवच एक्स के साथ जुड़कर अपना एक बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कवच एक्स इतना कमाल का है कि अगर किसी के फोन में इंस्टॉल कर दिया जाए तो उसके फोन का चोरी होना इम्पॉसिबल है। और इतना ही नहीं, कवच एक्स वो हथियार है जो आपके मोबाइल को आपके चोर के जेब से वापस आपके जेब तक लाने में मदद करता है। और ऐसे प्रोडक्ट में जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट में बहुत डिमांड मचने वाला है, इसीलिए आपके सवाल भी होंगे और सारे सवाल के जवाब भी हम जानेंगे। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन सर हमारा आपसे ये है, क्या सच में कोई कवच एक्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करके पैसा कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। वो कहते हैं ना रुचिका कि अगर बेचने वाला हो तो वो गंजे को कंघी बेच सकता है, और अगर ना बेचना चाहे तो सामने हीरा भी पड़ा रहेगा ना, वो उसको कोयला ही नजर आएगा। आप तो यहाँ पर हीरा बेच रहे हो दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो जिसकी जरूरत हर किसी को है। मैं मानता हूं रुचिका कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिकता है मेन तीन कारण की वजह से। पहला उसका डिमांड, कि डिमांड कितना है। दूसरा उसका प्राइस कितना है। और तीसरा उस प्रोडक्ट का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, मतलब कहने का क्वालिटी कैसी है। अगर ये तीन चीजें होंगी तो यकीन मानिए आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाओगे आप कभी फेल नहीं हो सकते। अब ये तीनों क्या है मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले प्रोडक्ट का डिमांड। डिमांड तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा है, हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल समझिए, आईफोन सबको पसंद है लेकिन हर कोई आईफोन नहीं यूज करता, क्यों? क्योंकि उसको खरीदने के लिए पैसा बहुत सारा चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मल फोन चलते हैं उसकी डिमांड भी ज्यादा रहती है, साथ में वो पॉकेट फ्रेंडली है, हर कोई खरीद सकता है, तो प्राइस बहुत मैटर करता है। और तीसरा क्वालिटी या फिर आफ्टर सेल सर्विस। एग्जाम्पल समझिए, आपने फोन खरीदा 15,000 का, और फोन खरीदने के बाद 5 दिन में आपने फोन आपका खराब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? या तो क्वालिटी खराब हुई या फिर आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छी नहीं मिली, जिस कारण आप परेशान हुए। अब अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें क्वालिटी अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, तो यकीन मानिए आपके बिजनेस के ये तीन पिलर अगर होंगे आपके पास तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। थैंक यू सर, आपने बहुत ही बखूबी अपना अच्छा आंसर दिया है। इसीलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कवच एक्स से कोई आपका आपके डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों खरीदेगा? मतलब जहां तक मैं समझ पाया आपका सवाल ये है कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा तो उनसे एंड कस्टमर जो भी है वो कवच एक्स क्यों खरीदेगा, राइट? राइट सर, सही है ना? ठीक है, मैं इसका बहुत सिंपल तरीके से जवाब देता हूं। आज आप देखिए मोबाइल 15,000 से 20,000 का हम लोग खरीदते हैं ना, लेकिन आप ये बात जानते हो कि अगर आपका फोन चोरी हो गया, मजाक में चोरी हुआ तो आप वापस मिल जाएगा, अगर सच में चोरी हुआ है तो आपके लिए आपके फोन को वापस ढूंढना नामुमकिन है। आप मान कर चलिए इस बात को, ये कोई गाड़ी नहीं है, कार नहीं है कि आप बाइक लेके निकले या पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस हर जगह बैरिगेटिंग करके आपकी गाड़ी को निकाल देगा। ये एक डिवाइस है जिस डिवाइस को किसी ने जेब में रख लिया। अब मैं बताता हूं मेरा इंसिडेंट, 2 दिन पहले मेरा फोन चोरी हुआ था। अब जब मेरा फोन चोरी हुआ और मैं पुलिस चोर को ट्रैक कर रहा था तो मुझे दिख रहा था कि हाँ चोर आस पास में है, लेकिन वहां पर समझो 10,000 लोग हैं। आप कैसे किसी को बोलोगे भाई अपना बैग चेक कराओ कि मुझे आपके बैग में फोन है या नहीं चेक करना, पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका फोन चोरी हो गया तो एक्चुअल में मिलना इम्पॉसिबल है। और इंसान कई बार ये चाहता है कि फोन जाए तो जाए लेकिन जान ना जाए, जिस कारण वो फोन चोर को खुद ही देता है कि भाई ले, चोरी करने आया, मार मत, मुझे फोन ले। अब चोर अगर आपका फोन चोरी किया या उसको मिल गया तो 2-3 चीजें हो सकती है। पहला, या तो वो फोन को रिसेट करके पूरा फॉर्मेट करके आपके फोन को कहीं बेच देगा, ये अगर होता है तो आप फिर भी सेफ हो। लेकिन अगर चोर ने आपके फोन को ऑन किया और उसमें जो डेटा आपका पड़ा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट, सारा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, सब कुछ, मैसेज, इन सब का वो किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल कर सकता है। और इतना ही नहीं, कई बार तो मोबाइल चोरी के कारण इंसान अपना जान भी गवा देता है। हमने इन सभी चीजों के ऊपर काम किया है। समझिए, अगर आपके फोन आपके जेब में है, आप मेट्रो में है, भीड़ में है, बस में है, ट्रेन में है, ई रिक्शा में है, मार्केट में है, मंडी में है, सब्जी मंडी में है, कहीं भी है, और किसी ने भी आपकी जेब से फोन को चोरी करने की कोशिश करी, आपका फोन तेज तेज साइलेंट करना शुरू कर देता है। गलती से भी आपका फोन चोरी हो गया और आपके फोन का नेट ऑफ था, तो आप ये ट्रैक ही नहीं कर सकते आपका फोन कहां पर है। लेकिन अगर कवच एक्स है और उस केस में अगर आपके फोन का नेट ऑफ भी है, तो यकीन मानिए आपके फोन का लाइव लोकेशन आपको मिलता रहेगा आपका फोन कहां पर है, ताकि आप चोर का पीछा कर सको और फोन को ढूंढ सको। इनकेस समझिए कि चोर का लोकेशन तो मिल गया, लेकिन वो लोकेशन ऐसी जगह पे जहां जाने से आप डर रहे हो कि वहां जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं भी लौट कर ना हूं, उस केस में आप भारत में किसी भी फोन से एक मैसेज करोगे अपने पिन के साथ, और आपका फोन का पूरा डेटा जो है फॉर्मेट हो जाएगा, ताकि आपका डेटा मिसयूज नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, आप समझिए कि आपका फोन है, आप कार से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो गया, तो कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद हमारे घर वालों को सबसे आखिरी में पता चलता है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। कब? समझो कि पुलिस आएगी, पुलिस फोन से किसी चीज नंबर निकालेगी, तब हमारे घर वालों को पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर कवच एक्स है आपके फोन में, तो अगर एक्सीडेंट होता है, लाइव आपको अलर्ट मिलेगा कि आपके फोन को, आपके भाई को, परिवार में दोस्त को, उनका एक्सीडेंट हुआ है, और आप तुरंत समय से पहले पहुंच पाओगे वहां पर, लोकेशन आएगा वहां का, कॉल आएगा, सब कुछ आएगा, ताकि आप तुरंत जाके वहां पर मदद कर पाओगे। ये मैंने आपको रुचि का कुछ गिने चुने फीचर बताए। मैं बताता हूं, जब मेरा फोन चोरी हुआ था ना, चोर के पास गया तो कवच एक्स होने के कारण ना तो वो फोन को साइलेंट कर पाया, ना ही फोन को स्विच ऑफ कर पाया, और ना ही फोन को फॉर्मेट कर पाया, और हमारा फोन हमारे हाथ में था। जब ये चीजें आप कस्टमर को लाइव दिखाओगे ना, यकीन मानो जिस कस्टमर को आपने दिखा दिया वो आपसे खरीदेगा। और यही रीजन है का कि जो भी पर्सन हमारे साथ जुड़ता है बिजनेस करने के लिए ना, वो लंबे समय में बहुत ग्रोथ करता है। ओके, हमारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही बखूबी से दिया। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वे सभी लोग जो कवच एक्स के साथ बिजनेस करते हैं, क्या गारंटी है कि वे सक्सेसफुल होंगे? बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। जब आज इंसान की गारंटी नहीं है, माँ बाप के सामने बेटा खत्म हो जाता है, जब गाड़ी की गारंटी नहीं है, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, टायर फट जाता है, तो ये तो बिजनेस है आपका। बिजनेस आपके एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ को बहुत कष्ट होता है, माँ उसको 9 महीने अपने पेट में रखती है, बहुत दर्द झेलती है। जब वो बच्चा बड़ा होता है, होना शुरू होता है, 4 साल 5 साल 6 साल तक बच्चा माँ की गोद में रहता है, और उस टाइम पर बहुत गलतियां करता है, बहुत ठोकरे खाता है, बहुत गिरता है, बहुत परेशान होता है, और एक मां होती है जो अपने बच्चे का उस मुसीबत उस क्षण में भी बच्चे का साथ देती है और हर मुसीबत से बचाती है। वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ के सारे अरमान पूरे करता है। लेकिन अगर माँ ये सोचे कि अभी तो बेटा 3 साल का है, इसको मैं कुल्हाड़ी देती हूं और बोलती हूँ जंगल से लकड़ी काट के ले आ, तो बच्चा नहीं कर पाएगा। आपका बिजनेस भी आपके बच्चे की तरह है। अगर आपने बचपन में सही परवरिश करी, तो बड़ा होकर ये आपका और आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके शहर का, आपके गांव का, आपके आसपास का, आपके देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर बचपन में कुल्हाड़ी मारना की कोशिश करोगे या उसके पैसे निकालने की कोशिश करोगे, पेशेंस नहीं रखोगे, जिस तरीके से एक माँ पेशेंस रखती है कि उसका बच्चा बड़ा होने पर उसके अरमान पूरे करेगा, वही पेशेंस आपको आपके बिजनेस में रखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं रखा ना, यकीन मानिए रुचि का, आप दुनिया का कोई सा भी काम शुरू कर लो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे दुकान हो, कभी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। बस मैं की बात कहूंगा इस टॉपिक पर। सर, हम आपके आंसर से और आपके उदाहरण से बहुत ही खुश हुए, और मुझे लगता है कि आज जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो भी आपके उदाहरण से समझ गए होंगे कि कवच एक्स हमारे लिए कितना जरूरी है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवच एक्स के साथ कोई किस तरह बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? देखिए, मैं एक बात हमेशा को कहता हूं, पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, लेकिन उसको खर्च करने में समय नहीं लगता, एक क्लिक काफी है। समझो आपने, आपकी कमाई है एक दिन का 1000 रुपए,
और एकाएक शाम को दोस्तों ने बोला पार्टी दे दो, आपने हाँ कर दिया, आपके 5,000 खर्च हो गए। कमाने में समय लगा आपको, 5,000 कमाने में 5 दिन लगे, लेकिन उसको गंवाने में मात्र आधे घंटे का वो दोस्तों के साथ लगा। इसीलिए कोई सा भी काम शुरू करो दुनिया का, एक बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी मत करो। आप पहले एक बार देखो कि मैं जिस प्रोडक्ट में काम करना चाहता हूँ वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे मैं काम कर पाऊंगा, क्या सच में उस प्रोडक्ट के साथ में बिजनेस कर सकता हूँ, क्या सच में वो प्रोडक्ट मुझे उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जहां मैं जाना चाहता हूँ। अगर आपको लग जाए कि हाँ यही वो चीज है जो मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचाएगा, एक सेकंड भी देर मत करो। मैं मानता हूं किसी भी सवाल का जवाब बस दो ही होता है, या तो हाँ या ना, तीसरा नहीं होता कि सोचकर करूंगा। या तो आप सोचो कि मुझे कम इन्वेस्टमेंट में करना है, पैसे बचाने हैं, या फिर आप सोचो कि मुझे एक्सपीरियंस है और मुझे कहीं बड़ा काम करना है। आप देखिए, शुरुआत आप कम से कम लागत से करिए, काम करते करते बड़े लेवल पे जाइए। जब आप ऐसा करोगे तो सही मायने में आपके घर का कम पैसा लगेगा, आपके मेहनत ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप एक साथ ज्यादा पैसे लगाओगे तो आपके घर का पैसा ज्यादा लगेगा और आपका एफर्ट कम लगेगा, और ऐसे में ज्यादातर चांसेस है कि आपका बिजनेस फेल होगा। इसलिए कम पैसे लगाइए, 10,000 लगाइए, 10,000 से काम शुरू करिए, 10,000 को 20,000 करिए, 20 को 40 करिए, लेकिन 40 से कहीं शुरुआत मत करिए। मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूं, हाँ जो बिजनेस में है, जिनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है काम कैसे करना है, उनके लिए तो अलग ही बात है। तो भाई कहते हैं कि समंदर से जितना बाल्टी पानी निकालो कमी है। हम आपके आंसर से एक बार फिर से खुश हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपके हिसाब से किन किन गलतियों से बचना चाहिए? सबसे पहली चीज मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, आपने भी देखा होगा मेरे, जब मैं स्कूल लाइफ में था तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले आते थे, तो उस टाइम पर एक बहुत डायलॉग फेमस था कि भाई अभी आप कॉलेज जा रहे हो ना, कॉलेज जाना शुरू करो, दो लोग साइकिल से आएंगे और वो आपको सपने दिखाएंगे कि 3 महीने बाद आपके, मैं जब स्कूल लाइफ में था ना तो मुझे, मैं अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग बारे बहुत सुनता था, तो मुझे जो है एक दोस्त ने बताया उसके साथ एक्सपीरियंस कि दो लोग आए, उन्होंने बिजनेस प्लान दिया, प्रपोजल दिया, ऐसा होगा वैसा होगा, आज काम शुरू करो, 2 महीने बाद आपके घर के बाहर ऑडी होगी, और बाद में जाते समय दोनों साइकिल से गए या बाइक से गए। कहने का मतलब ये कि कभी भी कोई काम शुरू करो तो शॉर्ट टर्म में कोई उम्मीद मत करो, समझ रहे हो आप कहने का मतलब। एक बच्चे को बड़ा होके अपने पैर पे खड़े होने में 24 साल लगते हैं, वो इंसान है जिसमें की गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है, वो अगर एक रोटी कम भी खाएगा तभी 24 साल ही लगेंगे। लेकिन आपका ये बिजनेस है, अगर आप आज काम शुरू करोगे और आपने आज उम्मीदें कर ली ना कि मैं आज काम शुरू कर रहा हूं 1,00,000 रुपए लगा के, कल से तो मेरा 6 महीने बाद देख लेना मेरे पास तो घर गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, तो आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस को, आपका बिजनेस, आपको स्टार्टिंग में ये सोचना है कि मैं सर्वाइव कैसे करूं। अगर मैंने 1,00,000 से काम शुरू किया है तो मैं उस 1,00,000 को 1,10,000 कैसे बनाऊं, और वो जो 1,10,000 बनेगा उस 10,000 को बाहर ना निकालूं, वापस उसी में लगाऊं। जब हम उससे उम्मीदें करना शुरू करते हैं ना, कि एक्सपेक्टेशन हमेशा हर्ट करता है, आप मानते हो इस चीज को ना, या किसी से कोई उम्मीद करो सबसे पहले वही वो उम्मीद तोड़ेगा। बिजनेस में भी सेम है, आप अगर उम्मीद कर लोगे कि इस काम को करके मैं 1 करोड़ कमाने वाला हूँ 6 महीने में, नहीं पाए कभी। आप ये सोचिए, जब तक आपका टारगेट पैसा कमाना रहेगा तब तक आप फेल होते रहेंगे। जिस दिन आपका टारगेट पैसा कमाने से हटकर सोशल ग्रोथ, आपके अपनों का ग्रोथ, आपके ग्रुप का ग्रोथ, आपका ग्रोथ हुआ, मतलब नॉन मॉनेटरी टर्म में चला गया हो, उस दिन से आपका बिजनेस ग्रोथ करना शुरू कर देगा। जब तक आप ये सोचोगे कि आप पैसे कमाओ, यकीन मानना आप पैसे कभी नहीं कमा पाओगे। लेकिन जब आप ये सोचोगे ना कि मेरे साथ की जो लोग हैं वो तरक्की करे, यकीन मानो कि आपका भी काम शुरू हो जाएगा और अच्छा चलेगा। क्यों? एग्जाम्पल समझिए, जो बनिया लोग होते हैं वो एक बिजनेस नहीं करता, उनका पूरा परिवार बिजनेस करता है, जिस कारण उनका काम बढ़ता है। हमारे यहाँ क्या है कि एक नया स्टार्टअप स्टार्ट होता है, मालिक सोचता है कि भाई एक काम कर, 1,00,000 रुपए का सेल आ रहा है महीने का, उसमें से 40,000 मेरा प्रॉफिट, एक काम करता हूँ 10,000 में सैलरी में दूंगा, 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करूंगा और बाकी 30,000 में प्रॉफिट लेके जाऊंगा। और यही सोच गया देती है इंसान को। क्यों? क्योंकि जो आपके साथ काम करे, चाहे आपकी टीम हो चाहे आपके लोग हो, आपका सेल, आपका ग्रोथ उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपका सराउंडिंग कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, उस पर काम करिए। अगर अपने टीम में 2 लोगों को रख रहे हो तो आप ये देखो कि वो 2 लोग कैसे सीखेंगे, कैसे बेहतर सीखेंगे, क्या कर सकते हैं वो। आप उनको सिखाते सिखाते कब सीख जाओगे आपको एहसास ही नहीं होगा। और अगर वो सीख गए तो यकीन मानो आपकी सक्सेस की सीढ़ी और उनके सक्सेस की सीढ़ी
उस दिन शुरू होगी, आज से नहीं होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और काम स्टार्ट करिए। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आपके नियरेस्ट ब्रांच आप विजिट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा कवच एक्स के बारे में आपसे जानकर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।